दोस्तों नमस्कार, रेडियो उड़ान पर आप मुझे सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी और आपका हम सफर लेकर आ चुका हूं आपका पसंदीदा शो, नया शो। वैसे शो नया नहीं है दोस्तों, शो तो पुराना ही है, लेकिन बात अलग ही है कि इस बार ये दोबारा स्टार्ट हुआ है सीजन 3। जिंदगी खूबसूरत है, मुझे याद है दोस्तों, और आपने पहले भी शो को बहुत प्यार दिया था, और सीजन 2 में भी कुछ 4-5 एपिसोड्स ही इसके वेबकास्ट हो पाए, लेकिन इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि इस शो को एक लंबा मकाम दिया जाए, एक काफी लंबा रास्ता तय किया जाए इस शो के साथ, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें इस प्रोग्राम में, आपके अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है जिंदगी खूबसूरत है, मेरे यानी पुनीत के साथ। और ये मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, और मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि अगर हम अपने गमों, मुश्किलों और दुखों, तकलीफों को दरकिनार करके जिंदगी को जिए, वैसे दरकिनार करना इतना आसान होता नहीं है दोस्तों, लेकिन उन दुखों और तकलीफों को कुछ हद तक समेटा जा सकता है, कुछ अपने आप को कहीं बिजी करके या कुछ अच्छे काम करके उस ओर से अपना ध्यान बटाया जा सकता है, तो हम काफी हद तक उन दुखों, गमों, तकलीफों को दरकिनार करने में कामयाब हो जाते हैं। वैसे ये होता बहुत मुश्किल है, अमूमन लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग कर लेते हैं वही लोग इस सबसे पार पा सकते हैं, वही लोग इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिस मुकाम की चर्चा अक्सर हम इस प्रोग्राम में किया करते हैं, और जिंदगी में अलग अलग डिस्कशंस में भी अक्सर जिस मुकाम की, जिस मंजिल की हम लोग चर्चा किया करते हैं। वैसे रोने धोने के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिंदगी में, अगर हमें हमारा मकाम नहीं मिलता है तो हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं कि हमें हमारा मकाम नहीं मिला, वजह ये रह गई, कसूर उसका था। अगर हमारा सपोज़ कोई पार्टनर अच्छा नहीं है तो हम ये कहते हैं कि ये पार्टनर हमारा अच्छा नहीं था, उसने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, उसने धोखा दे दिया, या उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, हम बहुत बार ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं, और ब्लेम गेम के चक्कर में बहुत बार हम बहुत सी चीज़ों को लॉस कर जाते हैं, तो उस ब्लेम गेम के चक्रव्यूह से निकलना हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है। हमें याद रखना है कि ब्लेम गेम खेलने की बजाय अगर कुछ परेशानी है भी तो उस परेशानी का सलूशन ढूंढा जाए। बहुत बार ये होता है कि अरे यार मैं सारी बातें अभी करता जा रहा हूं और बातें भी करेंगे, लेकिन पहले एक आपको बहुत प्यारा सा गीत सुनवाते हैं, और आज के करेक्टर की ओर भी हमें बढ़ना है तो जल्दी जल्दी करेक्टर की ओर भी बढ़ते हैं, गीत भी सुनाते हैं और साथ के साथ बातें और भी करते रहूंगा। तो सुनते रहिए प्रोग्राम जिंदगी खूबसूरत है मेरे यानी पुनीत के साथ, मैं अभी आता। पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, जहां तेरी तो मंजिल है वही। ओ, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू,
जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चकले रख ले हथेली से ढक ले से तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है धूल धूप है शमशे बिखर तू है नदी बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां आसमां का रास्ता देखो खुल गया मिल गया खो गया था जो सितारा मिल गया रोशन हुई सारी जमीन जगमग हुआ सारा जहां उड़ने को तू आजाद है बंधन को ही अब है कहां हैरान तू मौसम का है मेहमान तू धूप है छन से बिखर तू है नदी ओ खबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। बिल्कुल दोस्तों, मंजिल वही ही होती है जहां हमारा दिल खुश होता है। बहुत बार हम दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं लेकिन दिल को वो खुशी नहीं मिलती, वो तमन्ना हमारी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन तो सब कुछ हासिल करके भी हमें हमारी मंजिल नहीं मिल पाती। तो मैं अपने करैक्टर की बात कर रहा था और करैक्टर की बात करते करते अपनी जो बात मैंने बीच में छोड़ी थी, मैं ये कह रहा था कि हम प्लेइंग गेम के चक्कर से बचें। बहुत बार ये होता है कि हमारा जो साथ वाला है वो उसे चेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम अगर जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं तो अपने मुताबिक उसको या तो उसको चेंज कर लें या उसके हिसाब से खुद चेंज हो जाएं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने करेक्टर की ओर और आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिसने अपने राजनीतिक सफर का आगाज ही हिंदुस्तान की सेवा से किया और जब तक जिए अपने राजनीतिक सफर में हिंदुस्तान की सेवा करते रहे और जिन्होंने शुरू से ही दो विधान दो प्रधान का विरोध किया था। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं जिन महान हस्ती की बात कर रहा हूं, जिस शख्सियत की बात कर रहा हूं, उस शख्सियत को हम सभी श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जानते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा दो विधान और दो प्रधान का विरोध ही किया। अब दो विधान दो प्रधान का मतलब क्या है ये अभी आपको जिन लोगों को नहीं मालूम है वो समझ में आ जाएगा।
पहले चलिए उनकी ब्रीफ बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। 6 जुलाई 1901 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ श्री आशुतोष मुखर्जी जी के यहाँ, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। 1917 में इन्होंने मैट्रिक किया, 1920 में ग्रेजुएट हुए, बीए की उपाधि प्राप्त की और सन 23 में लॉ की उपाधि प्राप्त करने के बाद ये इंग्लैंड चले गए और वहां से 1926 में बैरिस्टर बनके ये लौटे। और अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जो इनके फादर थे वो श्री आशुतोष मुखर्जी बहुत बड़े शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे और कोलकाता यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे थे। और अब मजे की बात समझने वाली ये है कि श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ 33 साल की उम्र में, ओनली इन द एज ऑफ 33 श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता यूनिवर्सिटी के चांसलर बने, वाइस चांसलर नहीं, चांसलर, हिंदी में जिन्हें कुलपति कहते हैं, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी चांसलर बने। 33 ईयर की जब उनकी एज थी तब वो चांसलर बने और किसी यूनिवर्सिटी में सबसे कम उम्र के चांसलर बनने वाले वो पहले इंसान थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उनके राजनीतिक सफर की बात भी हम करेंगे, उनकी जिंदगी में राजनीति का आगाज कैसे हुआ, लेकिन बचपन से ही अपने फादर को फॉलो करते हुए उन्होंने पढ़ाई में, एजुकेशन में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। और इनके, मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके दो भाई हैं, उन दोनों के अभी मैं आपको नाम भी बताऊंगा, जिनमें से एक जज रहे थे और उनकी जिंदगी के बारे में और बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ये खूबसूरत गीत, प्रोग्राम जिंदगी खूबसूरत है, अभी वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू योर ऑन फेवरेट शो जिंदगी खूबसूरत है। इस प्यारे से खूबसूरत से मोटिवेशनल गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत शो में। 10:12 तो आज इस महान शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, तो अब उनके थोड़ा सा पॉलिटिकल करियर की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। आगे उनके बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वे शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे, और 33 ईयर एज जब उनकी थी, 33 साल की उम्र में वो कोलकाता यूनिवर्सिटी के चांसलर बने। और इसके बाद क्योंकि वे ह्यूमैनिटी में बहुत यकीन रखते थे, मानवतावादी थे, तो इन्होंने लोगों के अंदर अलग जगाने के लिए, देश की सेवा की अलग जगाने के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली, राजनीति में प्रवेश कर लिया, और गैर कांग्रेसी हिंदुओं और कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर के इन्होंने प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना की, प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना की, प्रोग्रेसिव अलायंस को इन्होंने बनाया। और इसके बाद इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और मुस्लिम लीग की जो पॉलिटिक्स थी वो कोलकाता में बढ़ती चली जा रही थी, और वहां पर हो ये रहा था कि सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे, वहां पर सांप्रदायिक विभाजन करने की कोशिश की जा रही थी, मुस्लिम क्षेत्रों का अलग विभाजन हो, हिंदू क्षेत्रों का अलग विभाजन हो। और जो प्रोग्रेसिव अलायंस उन्होंने बनाया था, जो उस वक्त की सरकार बनी, उसमें वे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। यहां मैं आपको ये भी बता दूं, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसके बाद जो जो मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स की वजह से जो हो रहा था, उसमें श्री मुखर्जी ने ये सोचा कि कहीं इसमें हिंदू जो जनता है उनकी उपेक्षा ना हो जाए, इग्नोर ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि वे सांप्रदायिक रूप से बंगाल को डिवाइड नहीं होने देंगे, बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे। तो इसलिए उन्होंने ये प्रचार करना शुरू किया कि हम सब एक हैं, सांस्कृतिक रूप से हम सभी एक हैं, हमारा रक्त एक है, तो इसलिए धर्म के आधार पर विभाजन नहीं हो सकता। तो लेकिन उनके जो उस वक्त के विचार थे, उनको बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लीडर्स ने अन्यथा रूप में, या मैं अगर आसान भाषा में यूँ कहूँ तो गलत तौर पर प्रचारित और प्रसारित करना शुरू कर दिया, कम्युनिकेशन गलत, लोगों को गलत कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। तो जिस वजह से कुछ लोग तो उनके खिलाफ हुए, लेकिन फिर भी जो उनके प्रति लोगों का प्यार था, सद्भाव था, प्रेम था, वो बढ़ता ही रहा। और इस तरह से देखो, उस वक्त की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी इन सांप्रदायिक ताकतों को प्रोत्साहित कर रही थी, उनका हौसला बढ़ा रही थी कि बंगाल में दंगे हों और बंगाल का डिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि हिस्ट्री में आता है कि 1905 में एक बार लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को डिवाइड किया गया था दो हिस्सों में, वेस्टर्न बंगाल और ईस्टर्न बंगाल। तो यही, क्योंकि वेस्टर्न बंगाल उस वक्त भी मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था, अभी भी बांग्लादेश जो बना है मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो कोशिश ये थी कि एक बार फिर से उसी तरह से बंगाल का डिवीजन हो जाए। तो मुखर्जी जी ये नहीं चाहते थे, और उन्होंने उस वक्त 1942 में इसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। अब 1946 में, 46 में होता ये है कि भयंकर मारकाट शुरू हो गई कोलकाता में मुस्लिम लीग जो थी वो, क्योंकि जो उनके लीडर्स थे, जो मुस्लिम लीग के सो कॉल्ड लीडर्स थे, वो अंग्रेजी पिट्ठू थे, तो मारकाट शुरू हो गई, बर्बरता शुरू हो गई, अमानवता दिखाने लगे। तो वहाँ पर भी मुखर्जी जी ने पूरी कोशिश की कि ये डिवीजन ना हो। उस वक्त जो कांग्रेस का जो लीडरशिप थी, नेतृत्व थी, वो बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन मुखर्जी जी सबसे नहीं घबराए। आगे और बातें करते हैं मुखर्जी जी के बारे में, उनके पॉलिटिक्स करियर के बारे में। आगे फिर जब उन्होंने महासभा को ज्वाइन कर लिया, हिंदू महासभा को जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो तब तो लोग उनके और खिलाफ हो गए थे। तो इसके बाद उन्होंने जनसंघ जब स्थापित किया, जन की शुरुआत की, तो उसके बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले खूबसूरत सा गीत, गीत के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम जिंदगी खूबसूरत में, ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। हम अभी आते हैं।
कर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। अमित वारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। जाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। अमित वारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के होगा कौन से पल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले। प्रोग्राम में हमें आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है, मेरे यानी पुनीत के साथ। इस खूबसूरत गीत के बाद मैं आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। मैं जाते जाते कहकर गया था कि जनसंघ की जो शुरुआत, जो स्थापना उन्होंने की, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हिंदू महासभा के प्रति उनका झुकाव था और जो उसमें वो शामिल हुए, उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि वो वीर सावरकर के विचारों से बहुत हद तक इंस्पायर्ड थे। उनके जो राष्ट्रवादी विचार थे उसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। अमूमन वीर सावरकर पर ये इल्जाम लगता रहा है कि उन्होंने कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी मांग ली, अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी मांग ली जब वो काला पानी में गए थे, उन्हें छोड़ा गया, उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन जो वीर सावरकर के समर्थक हैं वो इस पर अपनी अलग राय देते रहे हैं। वो हमेशा कहते रहे हैं कि वीर सावरकर का मानना ये था कि जब तक मैं इस जेल से नहीं निकलूंगा तब तक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने ये नाटक किया। खैर, इस टॉपिक पर बात कभी फिर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि श्री श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी वीर सावरकर के विचारों से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। और ऐसा कहा जाता है जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने, कहा जाता है कि स्वार्थों के कारण कह लीजिए, या उस समय समय की मांग थी, या अपने निजी हितों के कारण उन्होंने जो अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान के विभाजन की गुप्त योजना थी उसे एक्सेप्ट कर लिया। और कहा यह जाता है कि उस वक्त पूरा विभाजन हो गया होता, लेकिन श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आधा बंगाल और आधा पंजाब हिंदुस्तान के लिए, खंडित भारत के लिए बचाया और हिंदुस्तान को जो आज जो नक्शा है हिंदुस्तान का वो प्रदान किया। तो उसके बाद गांधी जी ने और सरदार पटेल ने श्री मुखर्जी से अनुरोध किया कि वे उस समय की जो सरकार बनेगी उसमें मिनिस्टर बने, और उन्हें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सौंपा गया, उद्योग मंत्रालय सौंपा गया।
और संविधान सभा में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, संसद में भी रही और प्रांतीय सभा में भी रही, लेकिन जो उनके विचार थे वो राष्ट्रवादी थे। मैंने अभी वीर सावरकर का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि श्री मुखर्जी के विचार जो थे वो राष्ट्रवादी विचार थे, जिनकी वजह से जो बाकी लीडर्स थे उनके साथ उनके डिफरेंसेस रहे, मतभेद चलते रहे, और जिसकी वजह से 1951 में उन्होंने मिनिस्ट्री से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत की जो उस वक्त का सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, राष्ट्रीय जनसंघ की उन्होंने स्थापना की। और उसके बारे में अभी आगे और बातें करेंगे, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, आगे उन्होंने क्या क्या किया। और अब जम्मू कश्मीर का जिक्र, जब मुखर्जी जी की बात आती है तो जम्मू कश्मीर का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अनुच्छेद 370 की बात भी हम करेंगे, लेकिन पहले इस खूबसूरत गीत के बाद। मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन फेवरेट शो जिंदगी खूबसूरत है। और जिंदगी खूबसूरत है शो में आप सभी का स्वागत। और मैं आपको कह रहा था कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात होती है तो जम्मू कश्मीर की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, 370 की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल जो विशेष दर्जा उस वक्त दिया गया था, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर हुआ था, वो उस स्पेशल दर्जे के बिल्कुल खिलाफ थे। उस वक्त जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री था उसे वजीर आजम कहा जाता था, और वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर, तो वो एक तरह से बिल्कुल वो दो विधान और दो प्रधान के बिल्कुल विरुद्ध थे। और इसका पुरजोर जो वकालत थी उन्होंने की थी पार्लियामेंट में भी, और इसके बाद उन्होंने जम्मू में एक रैली में कहा था कि या तो वे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का संविधान दिलाएंगे और या तो वो अपने स्वदेशी की पूर्ति के लिए अपनी जान दे देंगे। और उन्होंने मैं आपको ये मैंने बताया ही कि उन्होंने पार्लियामेंट में इलेक्टेड तो वो थे ही और कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा तो दे ही दिया था, और इसके बाद वो 1953 में बिन परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पे चले गए। और 23 जून को वहां उन्हें जब वो पहुंचे तो गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं पर उनकी डेथ हो गई रहस्यमय परिस्थितियों में। अब तक ये नहीं पता चल पाया कि उनकी डेथ कैसे हुई। बहुत सारे लोग तो ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें मरवा दिया गया या मार दिया गया, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। कहा यह जाता है कि रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी डेथ हो गई। लेकिन हाँ, ये सच है कि जम्मू कश्मीर को भारत का विशेष दर्जा समाप्त करने का जो उनका संकल्प था वो अपने अंतिम समय तक दोहराते रहे। और जो राष्ट्रीय जनसंघ था और जो उसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना, NDA बना, BJP बना, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी श्री मुखर्जी का यही संकल्प बार बार दोहराया। और उसी संकल्प को दोहराते हुए पिछले साल 370 का जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसे खत्म करके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये मुखर्जी जी के बारे में, कुछ उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में हमने जानने की कोशिश की। एक वक्त एक बार फिर एक गाना आपको सुनाता हूँ, गाने के बाद पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ।
भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। दोस्तों आज के इस शो में हमने श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातचीत की, उनके जीवन को समझने की कोशिश की। और अगर उनके निजी जिंदगी की मैं बात करूं तो उनके और भी भाई हैं, उमा प्रसाद मुखर्जी और रामा प्रसाद मुखर्जी। रामा प्रसाद मुखर्जी मैंने आपको शुरू में बताया कि कोलकाता हाई कोर्ट में जज बने, और उमा प्रसाद मुखर्जी ट्रैकर और ट्रैवल राइटर बने। इसके अलावा उनकी सिस्टर हैं रमला, कमला, और इसके अलावा उनके 5 बच्चे थे। सुधा देवी से उनकी शादी हुई थी, जो उनका 5वां बच्चा था वो डिप्थीरिया से उसकी डेथ हो गई थी 4 महीने का जब वो था। और इसके बाद उनकी वाइफ की डबल निमोनिया से डेथ हुई 33-34 में, और इसके बाद उन्होंने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। और उनकी ग्रैंड नीव जो थी कमला सिन्हा, वो इंद्र कुमार आई के गुजराल की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने जो देश के लिए किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। और दोस्तों जिंदगी की खूबसूरती इसी में है, जिंदगी खूबसूरती इसी में है कि हम अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें, कुछ समझें, कुछ जानें उसको, कुछ करें उसके लिए, और तभी हमारी ज़िंदगी वाकई खूबसूरत हो सकती है। और अपनी उसी खूबसूरती को बरकरार रखा श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और उन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी जो थी वो इसी में कुर्बान कर दी अपने देश की सेवा में। तो ऐसे लोगों को हमेशा हम जानने की कोशिश करते रहें, समझने की कोशिश करते रहें, और इस शो में भी ऐसे लोगों की बातचीत हम करते रहेंगे। और कुछ बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां भी मैं लेकर आऊँगा, जो बड़ी मोटिवेशनल कहानियां, कुछ लिटरेचर से या कुछ सादा कहानियां जो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं। तो ऐसी कहानियों और ऐसे करेक्टर्स की जानकारी के लिए बने रहिए रेडियो उड़ान के साथ, प्रोग्राम जिंदगी खूबसूरत है में। और अब मुझे यानी पुनीत को आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की आज्ञा दीजिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा बताने के लिए लॉगिन कीजिएगा www.radioudan.com, जहां पर एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म है जिसे फिल करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, या हमारी मेल आईडी है mail@radioudan.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप उड़ान लाइव शोज या रेडियो उड़ान पर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। और
या आप मेरी पर्सनल मेल आईडी punitsoni20@gmail.com पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप किसी कैरेक्टर के बारे में जानकारी चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उस कैरेक्टर के बारे में शेयर किया जाए तो आप अगर चाहें तो उस कैरेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं या उस कैरेक्टर का नाम हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस कैरेक्टर से रिलेटेड जानकारी इस प्रोग्राम में साझा की जाए, उसे पढ़ने के बाद, उसे वेरीफाई करने के बाद उस कैरेक्टर के बारे में बातचीत इस प्रोग्राम में की जाए। जरूरी नहीं कि कोई महान ऐसी शख्सियत हो, कोई महान शख्सियत जिसने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हो, ऐसा नहीं। बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम उतना नहीं होता, जो लोग बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आते लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। हमारे आसपास के लोकल सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो आप किसी के बारे में भी अगर चाहते हैं इस प्रोग्राम में बातचीत हो तो हमें punitsoni20@gmail.com पर लिख सकते हैं। और दिवाली के बाद आरजे हंट भी स्टार्ट होने को है, हमारे पास बड़ी तादाद में एंट्रीज आई हैं। आपने इस शो को प्यार दिया है, अपना सम्मान दिया है, हम आपके आभारी हैं। तो अब मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत, छोड़े जाता हूं आपको इस गीत के साथ, और गीत के बाद अगले प्रोग्राम के लिए रेडी रहिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओ पालनहारे निर्गुण ओ नारे दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को
जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में उजियारे ओ बालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नाही हमरी गुलशन